गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सुरजीत यादव फ्रॉम सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर। वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लास। टुडे वी विल डिस्कस थर्ड चैप्टर मोशंस ऑफ द अर्थ क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट वी विल डिस्कस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। राइट अबाउट द टू मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की दो गतियां कौन सी होती हैं। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी की दो गतियां कौन सी है। पहला है रोटेशन और दूसरा है रिवोल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन का हो गया। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस अफेक्ट। कह रहा है कि जब पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तो उससे क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। सो वी डिस्कस वेन अफेक्ट्स ऑफ द रोटेशन। अफेक्ट, रोटेशन का अफेक्ट क्या होता है, जब अपने अक्ष पे कोई पृथ्वी घूमेगी तो उससे क्या उसका अफेक्ट पड़ेगा। वेन द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, एक्सिस पे घूमती है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय पर, वन हाफ ऑफ इट हैज डे, इसका आधा हिस्सा क्या होता है, डे होता है। वाइल द अदर हाफ हैज नाइट, जबकि आधा हिस्सा क्या होता है, रात होती है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन मीन। सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन का क्या अर्थ है। सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन का मतलब है, इसको पढ़ेंगे, सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन का क्या मतलब होता है। द लाइन दैट सेपरेट्स द लाइटेड हाफ, वह रेखा जो लाइटेड हाफ को, जो प्रकाशित आधे हिस्से को, फ्रॉम द डार्कर हाफ क्या करती है, सेपरेट करती है, जो आधा हिस्सा प्रकाशित है और आधा हिस्सा अंधकार को अलग करती है। पृथ्वी के आधे हिस्से प्रकाशमय हिस्से को, आधे अंधकार हिस्से से जो अलग रेखा, अलग करती है रेखा, उसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, उसको क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। पांच, चौथा क्वेश्चन है व्हाई इज इट हॉटेस्ट एट द इक्वेटर ड्यूरिंग समर सोल्स्टिस। समर सोल्स्टिस में इक्वेटर पर गर्म, ज्यादा गर्मी क्यों महसूस की जाती है। समर सोल्स्टिस में गर्मी इसलिए महसूस की जाती है क्योंकि एज द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड, जैसा कि हम जानते हैं जो अर्थ की एक्सिस है वो थोड़ी झुकी हुई है, यूजुअली ऑन 21 जून। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रायः 21 जून को द डायरेक्ट सनरेज ऑफ सन फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती है उस सीधी किरणें। एज द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टूवर्ड द सन, और नॉर्थ पोल किसके तरफ होता है, सूर्य की तरफ होता है। इट हैज 6 मंथ्स ऑफ डे, और यहाँ पे 6 महीने का दिन होता है, तो इसलिए क्या होता है, जो इक्वेटर होता है या नॉर्थन हेमिस्फीयर में होता है वहां पे गर्मी महसूस की जाती है। अब लॉन्ग आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। पहला है डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन इन डिटेल, रोटेशन के क्या क्या प्रभाव होते हैं उसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अफेक्ट ऑफ रोटेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, जब पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय पर, वन हाफ ऑफ इट हैज डे, इसका आधा हिस्सा दिन में, इसका आधे हिस्से में दिन होता है। व्हाइल द अदर हाफ हैज नाइट, इसके आधे हिस्से में क्या होता है, रात होती है। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है। एज द अर्थ रोटेट, जैसे ही पृथ्वी घूमती है, वन पार्ट फेसेस द सन, इसके एक भाग में क्या होता है, सूर्य होता है। एंड एज डे लाइट, इसलिए वहां पे दिन होता है। वाइल द अपोजिट साइड व्हिच इज अवे फ्रॉम द सन, जैसा कि यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, जब एक्सिस पे अपने रोटेट करती है पृथ्वी, ऐसे रोटेट करती है, तो इसका आधा हिस्सा जो है यहाँ पे क्या है, सनलाइट होने के कारण दिन होता है, और आधे हिस्से में पीछे पड़ जाने के कारण यहाँ पे रात होती है। वाइल द अपोजिट साइड व्हिच इज फार अवे फ्रॉम द सन इज इन डार्कनेस एंड एक्सपीरियंस नाइट, सूर्य से दूर होने के कारण वहां पे रात होती है। दिस डेली मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड डायुर्नल मोशन, और इस तरह के दैनिक जो मूवमेंट होती है पृथ्वी की उसको क्या कहते हैं, डायुर्नल मोशन कहते हैं। लॉन्ग में सेकेंड क्वेश्चन है सीजन चेंज ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। सीजन क्यों बदलते हैं, क्योंकि रिवोल्यूशन जो होता है अर्थ का, उसके कारण सीजन बदलते रहते हैं। एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करना है कि रिवोल्यूशन के कारण मौसम बदलते रहते हैं। तो देखते हैं रिवोल्यूशन के कारण कैसे मौसम बदलता है।
ईयर इज यूजली डिवाइडेड इनटू समर विंटर स्प्रिंग एंड ऑटम सीजंस। एक साल को प्राय कितने ऋतुओं में बांटा जा सकता है? समर विंटर स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन में बांटा जा सकता है। सीजंस चेंज ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। सीजन क्यों बदलते हैं? क्योंकि पृथ्वी रिवोल्यूशन करती है। क्या करती है? परिक्रमा करती है सूर्य की। दैट इज चेंजेस इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। इसका मतलब क्या है? रिवोल्यूशन का मतलब कि पृथ्वी अपना जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो अपना पोजिशन बदलती रहती है। इफ द अर्थ डिड नॉट ऑर्बिट अराउंड द सन, यदि पृथ्वी अपने सूर्य के कक्षा में नहीं घूमती। इफ द अर्थ डिड नॉट ऑर्बिट अराउंड द सन, सन के चारों तरफ नहीं घूमती। द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाइट ईच एरिया रिसीव्स वुड नेवर चेंज। तो जो सूर्य का प्रकाश है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में मिलता है वो हमेशा बराबर मिलता है, उसको चेंज नहीं होता। एंड वी वुड ऑल बी स्टक इन द सेम सीजंस फॉर एवर, और इस तरह हम एक ही मौसम में रह जाते। इसलिए इसका क्या होता है, रिवोल्यूशन के कारण क्या होता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर एक ऑर्बिट में लगाती रहती है तो उससे सीजन बदलते रहते हैं। अगर चक्कर नहीं लगाते तो क्या होता, हमेशा एक ही सीजन में रह जाते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट विंटर सोल्स्टिस। विंटर सोल्स्टिस क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करना है। विंटर सोल्स्टिस को देखते हैं। विंटर सोल्स्टिस कब होता है? 22 दिसंबर को होता है, इस डेट को याद रखना। इसमें क्या होता है, विंटर सोल्स्टिस होता है क्या, इसके बारे में पढ़ते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम विंटर सोल्स्टिस के समय में क्या होता है, द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। जो नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है वो विंटर सोल्स्टिस में क्या होता है, सूर्य से दूसरे ओर झुका होता है, सूर्य से दूर हो जाता है। एज ए रिजल्ट इसके कारण क्या होता है, द सन रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसलिए क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। दिस पोजीशन इज नोन एज विंटर सोल्स्टिस, और इस कारण क्या होता है, विंटर सोल्स्टिस होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस लॉन्ग और शॉर्ट आंसर के पीडीएफ अगले नेक्स्ट डे मिल जाएंगे आपको। ठीक है फिर, थैंक यू।